वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो है रेफ्रिजरेटर कैटेगरी से। आज हम बात करेंगे सैमसंग के न्यूली लॉन्च सबसे फ्लैगशिप सबसे प्रीमियम रेफ्रिजरेटर के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के फैमिली हब रेफ्रिजरेटर के बारे में। कहीं ना कहीं आज की डेट में इस तरीके का जो अप्लायंस होता है वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है कस्टमर के लिए। तो बहुत ही सुपर प्रीमियम ये रेफ्रिजरेटर है, बहुत यूनिक फीचर्स आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को मिलते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे इस रेफ्रिजरेटर के ओवरव्यू के बारे में। ये है सैमसंग का न्यूली लॉन्च IoT इनेबल्ड 4-डोर फ्लेक्स बीस्पोक फैमिली हब रेफ्रिजरेटर। बीस्पोक का मतलब ये रेफ्रिजरेटर आपके मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन के साथ कनेक्ट हो जाता है, ताकि आप अपने किचन के कंफर्ट लेवल से, अपने रेफ्रिजरेटर की हेल्प से, आप अपने मोबाइल को, टीवी को और वॉशिंग मशीन को भी कंट्रोल एंड ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस रेफ्रिजरेटर को करते हैं ओपन और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इस रेफ्रिजरेटर के अपर साइड में फ्लेक्स डोर के अंदर आपको इसका बेवरेज सेंटर देखने को मिलता है, जिसमें आप अपनी चिल्ड एंड हाइजीनिक ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। और इस बेवरेज सेंटर के अंदर आपको प्लम्बिंग वाटर डिस्पेंसर देखने को मिलता है, जो कि आपके घर के आरओ से कनेक्ट हो जाता है, ताकि चिल्ड वाटर और आइस क्यूब के लिए उसको डायरेक्टली आरओ से पानी मिल सके। इसी के साथ आपको इसमें ऑटो फिल पिचर भी देखने को मिलता है, जो कि 1.5 से 2 मिनट के अंदर इसमें ऑटोमेटिकली वाटर फिल होता रहता है। आप चाहो तो इसमें अपना इन्फ्यूज़ फ्लेवर को भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि फ्लेवर ड्रिंक को भी आप इंजॉय कर सकें। एंड सैमसंग के प्रीवियस जनरेशन फैमिली हब रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने देखा होगा कि इसका जो डिस्पेंसर वाला पार्ट है वो फ्रंट पे रहता है। इस बार कंपनी ने उसको फ्लेक्स डोर के अंदर रख दिया, ताकि और ज़्यादा हाइजीन मेंटेन हो सके। एंड इस रेफ्रिजरेटर के अगर मैं फ्रिज सेक्शन की बात करूँ, तो 505 लीटर का इसका ग्रॉस कैपेसिटी एंड 451 लीटर का इसका नेट कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है। तो स्पेस वाइज काफ़ी स्पेसियस आपको ये रेफ्रिजरेटर देखने को मिल जाता है। एंड इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 6 लार्ज डोर पॉकेट्स आपको देखने को मिलते हैं, 3 आपके लेफ्ट डोर में, 3 आपके राइट डोर में। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ स्पेस आपको इसके डोर बिन्स में देखने को मिल जाता है। इसी के साथ 4 सेफ्टी टेम्पर्ड ग्लास सेल्फ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें से 3 का हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इस रेफ्रिजरेटर के टॉप साइड में और साइड्स में आपको एनर्जी एफिशिएंट LED लाइट्स देखने को मिलेगी, जिसके हेल्प से इसके अंदर विजिबिलिटी काफ़ी बेटर आपको देखने को मिलेगा। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 2 लार्ज साइज ड्रॉअर देखने को मिलेंगे। लेफ्ट पे आपको क्रिस्पर प्लस देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लॉन्गर टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं। राइट साइड में इसमें आपको फ्लेक्स क्रिस्पस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के साथ साथ आप इसके फ्लेक्स जोन के कंपार्टमेंट का टेम्परेचर चेंज करके आप इसको फ्रेशिस एंड मीट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम कैसे इसके फ्लेक्स क्रिस्पस के टेम्परेचर को हम लोग चेंज करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्रिज मोड में होता है, इसको चेंज करके हम फिश एंड मीट के लिए कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने मीट एंड फिश वाला ऑप्शन हमने चूज़ किया है। अब ये वाला जो टेम्परेचर है इस कंपार्टमेंट का, वो सेपरेट मेंटेन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी आपको सैमसंग के इस रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को मिल जाती है, कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको वापस मैं इसको फ्रिज में भी कन्वर्ट करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ, देन अगेन ये मेरा फ्रिज में कन्वर्ट हो चुका है। देन ये दोनों ड्रॉर्स के बीच में आपको कुछ फिल्ट्रेशन सिस्टम आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर वाटर फिल्टर हम लोग क्लीन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम चलते हैं इसके फ्रीजर सेक्शन की तरफ। तो लेफ्ट एंड राइट 2 सेपरेट फ्रीजर कंपार्टमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके लेफ्ट फ्रीजर के डोर साइड पे आपको 3 डोर बिन्स आपको देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर आप कुछ भी अपना फूड आइटम को स्टोर कर सकते हैं। एंड इसके बॉटम साइड पे आपको इसका बिग बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें बड़ा अमाउंट ऑफ फ्रोजन फूड आप इसके अंदर इजीली रख सकते हैं। इसी के ऊपर आपको एक और सेल्फ देखने को मिलती है फूड को स्टोर करने के लिए। इसी के साथ आपको इसमें ड्यूल ऑटो आइस मेकर का सिस्टम देखने को मिलता है, जो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आइस की क्यूब्स को निकाल के इसमें स्टोर करता रहता है। एंड डेली 2.8 kg आइस ये क्रिएट करता रहता है, जिसको आप इजीली लेके एंजॉय कर सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर के बॉटम राइट साइड वाले फ्रीजर कंपार्टमेंट को आप एज ए फ्लेक्स जोन की तरह भी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये फ्रीजर मिलता है, बट आप चाहो तो इसके फ्रीजर को कन्वर्ट करके एज ए फ्रिज की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अपना ग्रोसरी वगैरह भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको टेम्परेचर का रेंज -23 से लेके +4 डिग्री तक देखने को मिलता है। तो अपने फूड के हिसाब से आप इसमें डिफरेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके आप इसको अपने हिसाब से आप यूज में ले सकते हैं। फ्लेक्स जोन की सेटिंग्स को हम कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं।
बाय डिफॉल्ट ये फ्रीजर पे रहता है, इसको हम चाहें तो सॉफ्ट फ्रीज की तरह यूज कर सकते हैं, जिसमें -5 डिग्री का टेम्परेचर ये मेंटेन करता है। इसके बाद इसको अगर हम फर्दर चेंज करना चाहें तो हम इसको फिशेज एंड मीट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर -1 डिग्री का टेम्परेचर ये मेंटेन करता है। देन इसके बाद हम चाहें तो इसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर ये 4 डिग्री का टेम्परेचर प्लस में 4 डिग्री का टेम्परेचर ये मेंटेन करता है। तो इस फ्लेक्स जोन का टेम्परेचर को हमने अब कन्वर्ट कर दिया है, अब आप इसको एज ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरह भी इसको इजिली यूज कर सकते हैं। टोटल 360 लीटर का ग्रॉस फ्रीजर एंड 252 लीटर का नेट फ्रीजर आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को मिलता है। इस रेफ्रिजरेटर का ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी, इसका मल्टीपल यूजेस फ्लेक्सिबिलिटी, चाहे वो इसके फ्लेक्स क्रिस्पर बॉक्स के अंदर हो या इसके कन्वर्टेबल फ्रीजर के अंदर हो, ये सारे ऑप्शंस बनाते हैं इस रेफ्रिजरेटर को इंडिया का सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अगर मैं एंटरटेनमेंट पार्ट या फिर इसके स्मार्ट कैपेबिलिटी की बात करूं तो 21.5 इंचेस का स्मार्ट टच स्क्रीन का पैनल आपको इसके रेफ्रिजरेटर के फ्रंट साइड पे देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारी चीजों के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, लाइक म्यूजिक मूवीज वगैरह को आप स्क्रीन पे एंजॉय कर सकते हैं अपने किचन पे काम करते हुए, अपने मोबाइल की स्क्रीन को आप इसमें रेप्लिकेट कर सकते हैं तो मोबाइल का कंटेंट आप अपने लार्ज स्क्रीन पे एंजॉय कर सकते हैं। इसी टच स्क्रीन के बॉटम साइड पे आपको इसके एक्सटर्नल स्पीकर देखने को मिलेंगे, जिसका आउटपुट आपको बहुत इंप्रेसिव देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से सॉन्ग्स या मूवीज को आप इसमें एंजॉय कर सकेंगे। प्लस इसी टच स्क्रीन की हेल्प से आप बिना फ्रिज का डोर खोले आप अंदर के फूड आइटम को बाहर से देख सकते हैं कि अंदर क्या सामान आपने रखा हुआ है। इसी तरीके के कई और सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं इसके एप्लीकेशन से इंटरनेट से रिलेटेड, जो आप इसके स्क्रीन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर। और ये रेफ्रिजरेटर आपको ऑर्डर करता है क्विक कूलिंग के साथ साथ नो ऑर्डर मिक्सिंग का भी फीचर, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर आता है मेटल कूलिंग एंड ट्रिपल कूलिंग सिस्टम के साथ, जिसमें तीनों कंपार्टमेंट के अंदर 3 डिफरेंट फैंस एंड 3 डिफरेंट कूलिंग कॉइल्स की हेल्प से आपको फास्टर कूलिंग देखने को मिलता है और आपको ऑर्डर मिक्सिंग का भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। देन लास्ट में बात करते हैं इस रेफ्रिजरेटर के स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसका मॉडल नंबर RF87A9770SG इसका मॉडल है। इसका ग्रॉस कैपेसिटी आपको 865 लीटर देखने को मिलता है। एंड डायमेंशंस की बात करें, विर्थ इसका 35.9 इंचेस का, डेप्थ इसका 33.9 इंचेस का, और हाइट इसका 71.9 इंच का देखने को मिलता है। इस रेफ्रिजरेटर का टोटल वेट आपको 161 kg का देखने को मिलेगा। R600A रेफ्रिजरेंट गैस के अंदर देखने को मिलेगी। एंड पावर इनपुट की बात करें तो 170 वॉट का इसका पावर इनपुट आपको देखने को मिल जाता है। एंड कंट्री ओरिजिन मेड इन कोरिया है, तो सैमसंग का जो भी अप्लायंस मेड इन कोरिया का होता है उसका बिल्ड क्वालिटी सबसे सुपीरियर होता है। सो इसी तरीके के अट्रैक्टिव एंड यूनिक फीचर लाइक 21.5 इंचेस का टच स्क्रीन पैनल, इसके म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट का पार्ट, इसके ड्यूल फ्लेक्स जोन कंपार्टमेंट्स, इसका बेवरेज स्टेशन विद ऑटोफिल पिचर सिस्टम एंड इसका ट्रिपल एंड मेटल कूलिंग सिस्टम, ये सारे फीचर्स मिलकर बनाते हैं इस रेफ्रिजरेटर को इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट बायर रेफ्रिजरेटर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके की इन फ्यूचर मैं और भी वीडियोज लेके आता रहूंगा। और आज के इस वीडियो और आज के इस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर आपके मन में होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके उस क्वेश्चन का जल्दी आंसर करने का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।